खबर है कोट डीजी के हवाले से, जहां पर कोट डीजी के निवाही गांव अली डनू शेख में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 6 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। 40 से ज्यादा मवेशी आग में झुलस कर हलाक हो गए। लाखों रुपए का सामान अनाज जलकर राख हो गया है। पुलिस और रेस्क्यू अमले की जानिब से इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आग लगने की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। आपको खबर देते चले कोट डीजी के हवाले से, जहां पर कोट डीजी के निवाही गांव अली डनू शेख में अचानक से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 6 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। 40 से ज्यादा मवेशी आग में झुलस कर हलाक हो गए। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे देंगे। जी बताइएगा। देखिए जी, कोटजी का ये निवाही गांव है अली डनू शेख, जहां पर अचानक आग भड़क उठी, जबकि देखते ही देखते 6 घरों को अपनी लपेट में ले लिया है। वहां पर मौजूद छोटे बड़े 40 से ज्यादा जो मवेशी है आग में जलकर राख का ढेर बन चुके हैं, जबकि लाखों रुपए का घर में पड़ा सामान अनाज व दीगर जो चीजें हैं वो जलकर राख हो गई है। कोटजी पुलिस और रेस्क्यू अमले की जानिब से अभी तक जो है ना कार्रवाइयां जारी है। मुतासरीन में इमाम बख्श, गुलाम कंबर, मंजूर हुसैन, गुलाम अब्बास, हबीबुल्लाह, नादर शेख व दीगर शामिल हैं। अभी तक जो है ना आग क्यों लगी इसकी वजूहत मालूम ना हो सकी है। जो मुतासरीन हैं वो अभी तक जो है खुले आसमान तले किसी मसीहा के मंतजर हैं, ना ही हल्के के एमपीए एमएनए या कोई भी जो सियासत करने के लिए। गुलाम सयाल आपका।